ठीक है स्टार्ट करूं। गाइस आज हमारे अल्लू मसी अलग घोड़ा मेरा बच्चू आज तेरे को मैं देख जाता हूँ ना तो कहीं भी छुप जाए तो गाइस ये छुप रही थी यार। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो मेरे भाई बहन कैसे हैं आप सभी, होप सब बड़े होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, आपका भाई मस्त है। तो फाइनली आज भाई पिछले 2000 साल के बाद मैं जा रहा हूँ घर है ना लू, तो एक साल के बाद घर जा रहा हूँ मैं आज। तो गाइस मैं यहाँ था, कुल्लू आ रखा था, पिछले आपको वीडियोज में बताया भाई मेरी फ्रेंड है यहाँ पे, इनके रेस्टोरेंट में था, फाइनली घर जा रहा हूँ गिरना में, ठीक है। तो मैं अभी हूँ छलाल गाँव है इस जगह का नाम, और साथ में लगता है नीचे कसोल, पहले मैंने आपको दिखाया था छोटा सा गांव, और अभी हम सभी जा रहे हैं नीचे कसोल तक। वो हमारी मेरी फ्रेंड आगे पूजा, मिलते हैं गाइस आपसे आगे। अभी फिर अभी देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अल्लू तूने क्या लिया है? गाइस काफ़ी खूबसूरत गांव है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था भाई, देखो यार ज़बरदस्त ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में ये सुंदर सा प्यारा सा गांव। और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की बात करें तो बर्फ़ भी पड़ चुकी है यार हल्की हल्की सी, देखो ये है ना कुछ, ठीक है अल्लू फिर ना। गाइस आज हमारे अल्लू मसी अलग घोड़ा मेरा बच्चू आज, यार पता नहीं भाई मैं कब यार ठीक होऊंगा, एक महीना रहा मैं इनके साथ, छोटा सा बच्चू है मन सा लग जाता है कुछ ना, और आज घर जा रहा हूँ फाइनली। तो यू नो आपका भाई इमोशनल हो जाता था, बहुत अच्छा बच्चा यार, मतलब मेरे बच्चों के साथ ना काफ़ी बढ़िया तालमेल हो जाता है। बाकी भाई देखो यार यहाँ पे बाड़ा टाइप बनाया है किस तरह से, वाह यार क्या डिज़ाइन है, बांस की लकड़ियों का बेहतरीन उपयोग किया हुआ है, देखो ज़बरदस्त। तो गाइस बोल रहा था यार मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ यार, तो सोचिए बच्चा मेरे साथ ही रहा लगभग 20-25 दिन रहे होंगे हम साथ में, ये खुद ही इमोशनल होगी। गाइस सामने का व्यू देखो भाई, घने घने जंगलों के बीच से, अभी रुक जा धीरे धीरे चल। और आज फिर हम भाई रील्स बनाएंगे, किसने गुस्सा हो गया भाई गुस्सा, मैं आज फिर हम रील्स बनाएंगे भाई, देखो उस दिन बनाई थी ना मैं आपने देखी थी, आज फिर बनाऊंगा मैं इन घने घने जंगलों के बीच में। फिर लगाओ सॉन्ग लगाओ इसी सॉन्ग में, ये देखो कहाँ यहाँ पे पुल देखो भाई यार, पार्वती नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है, काफी सुंदर है। लेकिन मैंने सुना भाई ये बोल रहे थे मेरे फ्रेंड ने कि ये बह गया था तो नया बनाया है, तो अभी भी काफी डाउन बनाया यार। तो काफी बढ़िया व्यू है गाइस, आप देख सकते हैं यार पार्वती नदी है यार, बार बार मेरे मुंह पे पता क्या रहा है, रावी नदी। मैं चंबा में घूम रहा हूँ और यह है पूरी कसौल की मार्केट, कसौल के साथ में ये बह रही है पार्वती नदी। और मुझे नहीं पता भाई यहाँ पे क्यों लिखा है कि पुल पर फोटो खींचना ना खींचे, आई डोंट नो भाई, बढ़िया सा व्यू है भाई, कोई क्यों ना खींचेगा, मैंने तो वीडियो बना ली यार, पता नहीं क्यों लिखा होगा। पत्थरों के बीच में ये रास्ता है और अभी हम रोड में जस्ट पहुंचने वाले हैं, गाड़ी चलती है। ओ गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम पंडो में, और मेरे पीछे आप देख सकते जाम लगा हुआ, देखो मेरे को भी यहाँ पे 10 मिनट हो गए, आज वैसे बोल रहे कि जल्दी खुल जाएगा, तो मैं सुबह मंडी जा रहा हूँ, मंडी से बस लेके चंबा के लिए। और पिछले जब बारिश हुई ना पीछे जैसे, तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा तबाही हो गई यार, यहाँ पे रोड्स ख़त्म हो गए हैं, तो नए रोड भी बन रहे हैं और हाईवे का काम भी लगा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे ना ट्रैफिक जाम हो जाता है आजकल, आए दिन रोज़ का ही काम हो रखा है। कई कई बार तो ऐसा होता है भाई, मैंने सुना है कि पूरा पूरा दिन यहाँ पे मतलब जाम लगा रहता है, शाम के टाइम ही आप ज़्यादा आया करो नाइट को, अगर अपनी पर्सनल गाड़ी में आ रहे हो तो नाइट पर ज़्यादा सफ़र करो, क्योंकि तब काम थोड़ा रुका होता है। बाकी अपने भाई यहाँ पे भी है साथ में थोड़े, हेलो ब्रो, ये भी है अपने भाई सारे आज, सारे भाई चंपा जा रहे भाई, तो साथ मिल गया याद तुम्हारा, ये भाई सब्सक्राइब करो, एंजॉय, फुल एंजॉय।
ना मैं अपने आदत भी तेरी भूल गया। गाइस अभी हम लोग हैं खाना खाने और पीछे भाई बस में देखा आपने अपना सारा जो भाईचारा एंजॉय कर रहा था। बाकी ये बस जा रही है चंबा सुंदर नगर से आ रही है जगह का नाम क्या होगा कोई गुम्मा गुम्मा पहुंचे भाई अभी हम सुबह पहुंचे हैं चंबा 6 बजे। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई। तो आपका भाई पहुंच चुका है चंबा बस स्टैंड में भाई अभी जस्ट 6 बजे। और ठंड की बात की जाए भाई उतनी ठंड है नहीं सच में यार, जिस तरह की ठंड होनी चाहिए सर्दियों का टाइम आपको पता ही है। तो इस तरह से है चंबा का बस स्टैंड सुबह सुबह आप देख सकते हो भाई ज़्यादा भीड़ नहीं है। बाकी अभी मैं जाऊँगा घर के लिए, ये सामने बस लगी मेरी ये वाली ये जो लगी है चाटीसी की। तो चलते हैं गाइस और ब्लॉग अभी यही ख़त्म करते हैं। ये छोटा सा ब्लॉग था भाई कसौल से चंबा तक का घर तक का बोल सकते हैं। बाकी आपको कैसा लगा भाई कमेंट में ज़रूर बताना। अभी मैं कंटिन्यू ही रहूँगा मतलब कम टाइम नहीं लगा मेरे को भाई ब्लॉग बनाने का पीछे आपको पता है काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो अभी कोशिश करूँगा मैं कंटिन्यू होगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद जय भारत एंड लव यू ऑल माय फ्रेंड्स। जय हिंद।